अजीतपाल सिंह का जन्म 15 मार्च सन 1947 को पंजाब राज्य के जलंधर में संसारपुर नामक स्थान पर हुआ था। अजीतपाल सिंह को अति श्रेष्ठ हाफ बैक हॉकी खिलाड़ियों में माना जाता है। उनका नाम 1928 तथा 1932 की ओलंपिक टीम की पेनिगा के बाद हाफ बैक के रूप में जाना जाता है। वह गेंद को कुशलतापूर्वक हिट कर जाते थे। अजीतपाल ने हॉकी खेलना तभी आरंभ कर दिया था जब वह कैंटोनमेंट बोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल जलंधर में पढ़ते थे। 1963 में पंजाब स्कूल टीम के लिए उन्होंने फुल बैक खिलाड़ी के रूप में खेला था। इसके पश्चात अजीतपाल ने लायलपुर खालसा कॉलेज जलंधर की ओर से खेलना आरंभ कर दिया। 1966 में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी टूर्नामेंट में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय की कप्तानी की। 1968 में उन्होंने विश्वविद्यालयों की मिली जुली टीम में सेंटर हाफ के रूप में खेला। अजीतपाल सिंह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में शामिल होने के पश्चात फोर्स की हॉकी टीम में शामिल होकर फोर्स की ओर से सभी राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भाग लिया। 1966 में अजीतपाल ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा लिया जब उन्हें जापान जाने वाली भारतीय टीम में शामिल किया गया। 1967 में उनको लंदन में प्री ओलंपिक टूर्नामेंट में खेलने का अवसर मिला। इससे उनका चुनाव 1968 में मेक्सिको में होने वाले ओलंपिक में खेलने के लिए भारतीय टीम में हो गया। इस ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और टीम तीसरे स्थान पर रही। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में अजीतपाल ने भारतीय हॉकी टीम का सदस्य बनकर भाग लिया और टीम ने कांस्य पदक जीता। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में अजीत सिंह ने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की। ओलंपिक खेलों के अतिरिक्त अजीतपाल ने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में भारतीय टीम का सदस्य बनकर भाग लिया और टीम ने रजत पदक जीता। 1974 के तेहरान एशियाई खेलों में अजीत भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। भारतीय टीम ने उनकी कप्तानी में रजत पदक जीता। 1974 में अजीतपाल को एशियाई ऑल स्टार टीम का सदस्य चुना गया। 1971 में सिंगापुर में हुए पोस्ट शुवान टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अजीतपाल की कप्तानी में विजय प्राप्त की। 1971 में ही उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने बार्सिलोना में फर्स्ट वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता। 1972 में पुनः अजीतपाल ने टीम का हिस्सा बनकर एम्स्टर्डम वर्ल्ड कप में भाग लिया लेकिन भारतीय टीम फाइनल में हॉलैंड की टीम से हार गई और टीम को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। अजीतपाल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1975 में देखने को मिला जब भारतीय टीम ने कुआलालंपुर में अजीतपाल की कप्तानी में पाकिस्तान को हरा कर विश्व कप जीत लिया। विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम का भारत आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। अजीतपाल सिंह ने जीतने पर वापसी में अपनी खुशी का इजहार इन शब्दों में किया, विश्व कप की खुशी से ज्यादा मीठा कुछ भी नहीं है। हमारी सफलता का राज हमारी मेहनत है। निराशापूर्ण क्षण, विश्व कप जीतने वाली टीम के कप्तान रहने के बाद अजीतपाल के लिए वह निराशापूर्ण क्षण रहा जब 1986 में उनकी कोचिंग में तैयार भारतीय टीम लंदन में बुरी तरह हार गई। भारत का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा कि भाग लेने वाली 12 टीमों में भारत का स्थान 12वां यानी अंतिम था।